चलो अब ये खत्म हो गया टॉपिक। हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्लियर, क्या कर लिया हमने। नेक्स्ट इतना टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, सही ना, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंफिगरेशन, देखो इसके अंदर तुमने मैक्सिमम कर लिया डी और एल कंफिगरेशन, डी और एल निकालना सीख लिया कि नहीं। कैपिटल एन कैपिटल एल याद है ना। फॉर दस कार्य कारण पे अगर ओ एच या एन एच टू राइट पे है तो डी, और अगर लेफ्ट पे है तो एल, याद है ना। दे रेफर टू कंफिगरेशन, दे रेफर टू कंफिगरेशन, डी और एल। मैं एक एग्जांपल इसकी और दे दूंगा अभी। सेकंड, एरिथ्रो एंड थ्रियो, ये नहीं सीखा अभी। एरिथ्रो ई एंड थ्रियो टी, एरिथ्रो एंड थ्रियो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दो कार्बन कार्बन वैलिड, दो कार्बन कार्बन है तो ही वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं। और डी एंड एल का वैलिड नहीं था। कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है या ओ एच या एन एच टू नहीं कंपाउंड। और ये इसका बेसिक क्या था, किस कंपाउंड को देखकर निकाली जाती है, ग्लिसरल, ये पूछा हुआ टॉपिक के अंदर ना, ग्लिसरल डिहाइड को देखकर। और एन एच टू है तो एलानिन को देख करके, एलानिन, एलानिन बच्चों को समझ आ गया कि नहीं, इसको देख करके एलानिन। अभी स्कूल में लास्ट किया ना, अलादीन लिख दिया था तो ये याद रखना, अलादीन नहीं लिखना, करना एलानिन, एलानिन को देखकर। फॉर्मूला याद है, एलानिन इसको, ये बेसिक था इसका, ये पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, मेनली ग्लिसरल लेग पूछते हैं। अच्छा नेक्स्ट है तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा ये दोनों जो कंफिगरेशन मैंने ऊपर लिखी है, दे आर रिलेटिव कंफिगरेशन। ये कौन सी है, रिलेटिव लिख देना जरूर, ये रिलेटिव कंफिगरेशन है। एक को देखकर दूसरा बनाया जाता है, ये क्या है, रिलेटिव कंफिगरेशन, एक को देख करके दूसरा बनाया जाता है। रिलेटिव रिलेटेड है दूसरे, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटिव कंफिगरेशन। और जो मैं अब लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेक्टस, रेक्टस आर से नोट करते हैं, एंड सिनिस्टर, रेक्टस राइट सिनिस्टर लेफ्ट, रेक्टस राइट सिनिस्टर लेफ्ट, इसको स्मॉल डी भी कहते हैं, इसको स्मॉल एल भी कहते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल डी और स्मॉल डी का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी रेफर्स टू कंफिगरेशन, स्मॉल डी रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन। कैपिटल डी रेफर्स टू कंफिगरेशन, स्मॉल डी रेफर्स टू ऑप्टिकल रोटेशन, ऐसे ही कैपिटल एल और स्मॉल एल। अच्छा डी लिखते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं, और प्लस लिख देना एल और माइनस, क्लियर है कि नहीं। ये है एब्सोल्यूट कंफिगरेशन, यानी एक बना रहे हो तो दूसरे की जरूरत नहीं। ये क्या है, एब्सोल्यूट कंफिगरेशन, आर और एस क्या है, एब्सोल्यूट कंफिगरेशन। नेक्स्ट फोर्थ, डी एंड एरिथ्रो एंड थ्रियो, आर और एस या डी स्मॉल डी स्मॉल एल, एक ही बात है, प्लस और माइनस भी एक ही बात है ना, प्लस और माइनस भी एक ही बात है। इसके अलावा और को पता है किसी को, एपीमर्स, एपीमर्स ये मैं बायोलॉजी किसमें करा चुका हूँ, ट्वेल्थ क्लास को सबने सबने पढ़ लिया, ट्वेल्थ क्लास को सबने पढ़ लिया। एपीमर्स याद है क्या थे, हाँ, पहले कार्बन को छोड़ करके किसी और कार्बन पे अगर चेंज आ रहा है कंफिग्रेशन में तो एपीमर। जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए, ये करा चुका हूँ बहुत डिटेल में। मैं बस 11th वाले बच्चों के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि उनको क्लियर रहे कि क्या चीज है। सी एच ओ, एच ओ एच, तीसरे पे उल्टा, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच,
CH2OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद कर लेना। ग्लूकोज नाम है इसका, डी प्लस ग्लूकोज, डी कैपिटल प्लस ग्लूकोज। डी क्यों लिखा है तुम्हें पता लग गया होगा, डी क्यों लिखा पता ना, फार्दस्ट कार्बन पे, पहले कार्बन पे ओएच राइट पे, प्लस रेफर चॉकलेटेशन, इसका नाम है ग्लूकोज। तुम चेक कर लो फॉर्मूला C6H12O6 आ रहा कि नहीं, ये है ग्लूकोज। और एक बना रहा हूं मैं यहाँ पे, गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज वगैरह बोलता हूँ। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स, मैंने बोला ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर्स, मैंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पे डिफरेंस आया, समझे कि नहीं। हाँ HOH, ये एक बार चेक कर लो, डी प्लस गैलेक्टोज। ये C4 एपिमर्स है, ग्लूकोज तो मैनोज होते हैं, C2 एपिमर। एक बार ये बनाओ जल्दी, एनोमर्स, एपीमर्स क्या थे, आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन सैचुरेशन एट अदर देन फर्स्ट कार्बन, और एनोमर्स में आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन सैचुरेशन एट फर्स्ट कार्बन एटम। जैसे एग्जांपल इसका, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म बना रहा हूं मैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ऊपर CH2OH, सिक्स्थ कार्बन। पहले पे HOH, दूसरे पे भी HOH, तीसरे पे उल्टा OH, H एच ओ एच, एच सी एच टू एच, क्या समझ आ गया ग्लूकोज, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अच्छा अगर इससे मैनोज बनाना है तो बताओ मानसी क्या करेंगे, मैनोज बनाना थे, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड कार्बन पे ओ एच ऊपर कर देंगे और एच नीचे।
बन जाएगा ना साइक्लिक फॉर्म। अगर दिया तो बताओ, अगर इससे गैलेक्टोज बनाना तो क्या करेंगे? फोर्थ कार्बन पे ओएच ऊपर और एच नीचे, क्लियर हो गया कि नहीं है? और अब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, इससे बनाना है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले कार्बन पे ओएच ऊपर एच नीचे, बाकी सब कुछ सेम। नंबर दे देना 1 2 3 4 5 6, याद कर लेना, ये जरूर इंपॉर्टेंट है काफी। ऐसे ही ना अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज भी क्या होते हैं? एनोमर्स। एक एग्जांपल दिया, एक बहुत है। बायो मॉलिक्यूल्स में 12th क्लास में मैंने करवा रखा है, इसे तुम लोग एक ही एग्जांपल कर लेना और ढंग से कर लेना, इसको बना लेना स्ट्रक्चर, जरूर इंपॉर्टेंट है दोनों स्ट्रक्चर। तो अब तुम्हें पता गया टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंफिगरेशन 5 तरीके की है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंफिगरेशन 5 तरीके की है। पहली कैपिटल डी एंड एल, दूसरा ई एन टी, तीसरा आर एंड एस। मेन हमें क्या करना है? आर एंड एस, जो कि एक एब्सोल्यूट कंफिगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल सिखा दिया, कैपिटल डी कैपिटल एल सिखा दिया कि नहीं? इसमें करेंगे कैपिटल डी कैपिटल एल में एक दो निकाल, कल मैंने सिखा दिया तुम्हें, एक दो जल्दी से निकाल के देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, NH2, H, ME, और ले लेते हैं इसमें CHO, CHO ना देते इसमें, चलो D ले लेते हैं। D किसमें निकालना है तुम्हें? एक दूसरा जैसे लेना पड़ेगा, इसको ले लेना COH, इसमें निकालना डी एल, दूसरा निकालेंगे OH, ME, H, CHO, OH, एच, इसके निकालना डी एन एल, एक और करेंगे एम ई, एच ओ एच, ओ एच 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 ओ एच सी एच ओ एच ओ एच, एक सेकंड डी ओ एल निकालना जल्दी से। चेक करेंगे एक बार, इसमें पहले तो सीओएच को ऊपर करना पड़ेगा, आईबीएसी में जिसकी टॉप प्रायोरिटी होती है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर, 180 से घुमा देंगे इसको, सीओएच ऊपर, एनएच टू नीचे, एम इधर, एच इधर। अब क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, एनएच टू लेफ्ट पे आ जाएगा कि नहीं?
क्योंकि कार्बन कहाँ आने चाहिए, नीचे, और NH2 में लेफ्ट और राइट पे चाहिए, COH NH2 COH NH2 HME, यही है ना। तो ये क्या है, L, ये L है। नेक्स्ट वाले केस में ये पूरा घुमा देंगे, ये पूरा घुमा देंगे कि नहीं, इसको पूरा इसी एक ही कार्बन पे दो चेंजेस हो जाएंगे, और इसको भी पूरा घुमा, इसको घुमाएंगे तो हाँ इसको भी पूरा घुमाएंगे, पहले ये घुमा दो उसको। एम ई आ गया ऊपर, ओ एच इधर, एच इधर, सी एच ओ आ गया इधर, एच इधर आएगा, ओ एच इधर। एक बार चेक करना, दो चेंजेस हुए दोनों कार्बन पे, दो चेंजेस हुए हैं कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे को 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन देंगे, तो सी एच ओ ऊपर आ जाएगा, एम ई इधर आ जाएगा, ये वाला एच जो है वो यहाँ आ जाएगा, वो वाला एच यहाँ आ जाएगा, एच एच, क्लियर है कि नहीं। ये तो ये भी क्या है, एल, ये भी एल है। अब लास्ट वाला केस, लास्ट वाला केस उसको ध्यान देना। लास्ट वाले केस में पहले तो जो सी एच ओ है इसको हम कहाँ कर देंगे, ओ एच देगा, तो लास्ट वाले केस में ये आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, सी एच ओ ओ एच एच। एक बार देखना यही आएगा कि नहीं, यही आएगा चेंज करने के बाद, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 से घुमा देंगे इसको, 90 से घुमाएंगे तो ये सी एच ओ गया ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो ओ एच एच, ओ एच एच ये आ जाएगा कि नहीं। और इधर क्या आएगा, एच ओ एच एच ओ एच और एम ई नीचे, ये क्लियर है। अब क्योंकि मैंने इसको 90 से घुमाया था, इसलिए इसका जो एनेंशियमर होगा वो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, जो उसका एनेंशियमर होगा वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब पेनल्टीमेट कार्बन पे या फार्देस्ट कार्बन पे ओ एच लेफ्ट पे आ जाएगा कि नहीं, तो ये भी एल आएगा, ये इसके मनन के सही दिन, यही क्या था पूरा इसका सही है, बिल्कुल समझ आया कि नहीं है। तो ये भी एल आएगा, मनन आ गया कि नहीं, और किसी का सही हुआ मनन के अलावा, सही था बोला बिल्कुल, समझ आ गया। डी और एल वाले सिखा दिया ना तुम्हें, हॉरिजॉन्टल वाला केस समझ आ गया कि नहीं। उसको क्या करना होता है, 90 से रोटेट करना होता है, ध्यान रखना, 90 से रोटेट करना होता है। नेक्स्ट रोट करेंगे, अब नेक्स्ट रोट करेंगे ई एन टी, एरिथ्रो एंड थ्री, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ गया तो फिर दे सकता दिक्कत, इसलिए एरिथ्रो एंड थ्रियो, ई एंड टी रिलेटिव कंसंट्रेशन है, रिलेटिव कंसंट्रेशन है, डिफाइंड ओनली फॉर टू कायरल कार्बन, अगर दो कायरल कार्बन है तो ही डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड नहीं, डिफाइंड ओनली फॉर टू कायरल कार्बन एटम, डिफाइंड ओनली फॉर टू कायरल कार्बन एटम। ये शुगर है एरिथ्रोज, ये शुगर है थ्रियोज, इनसे इसका नाम पड़ा है। थ्रियोज शुगर और एरिथ्रोज शुगर, इससे नाम क्या पड़ा इसका, एरिथ्रो, और इसका ई और टी। अब एरिथ्रो थ्रियो, पहले तुमने नोट कर लिया लिमिटेशन इसकी, ये डिफाइन कब करते हैं, ओनली फॉर ओनली फॉर टू कार्बन, दो कार्बन कार्बन के लिए ही डिफाइंड है, ना दो से ज्यादा होने चाहिए ना कम, दो कार्बन कार्बन है तो ही डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड नहीं। तो इनकी लिमिटेशंस थी, डी और एल की भी लिमिटेशन है, ई एंड टी की भी लिमिटेशन है, इसलिए हमने कौन सी कंसंट्रेशन दी गई है, आगे आर एंड एस, इसलिए आर और एस दी गई है, तो दो कार्बन कार्बन के लिए डिफाइंड है। अब इसमें अगर दोनों बल्कि ग्रुप कार्बन कार्बन पे, दोनों बल्कि ग्रुप कार्बन कार्बन पे सेम साइड है, बिगर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, देन इट इज एरिथ्रो, एंड इफ बिगर ग्रुप्स लार्जर ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड, देन इट इज थ्रियो। नोट कर लोगे कि नहीं, थ्रियो यानी ट्रांस, याद करेगा थ्रियो से ट्रांस,
बिगर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड देन इट इज एरिथ्रो, बिगर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड देन इट इज थ्री ओ एरिथ्रो, और ऑपोजिट साइड थ्री ओ को किससे याद करेंगे, ट्रांस से। इसमें वर्ड भी दिया जाता है, अगर याद करना कभी भूल जाओ तो उससे याद कर लेते हैं। समझ गया मतलब क्या, थ्री ओ ऑपोजिट एरिथ्रो सेम साइड। तो ये ना पढ़ाते कि मैं आगे दे सकता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। एक आध एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल दिए ना, जैसे डीएडब्ल्यू में एग्जांपल दिए, वैसे एक आध एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। इसमें निकाल लेंगे, एक इसमें जाना है और इसमें बता दूं। हाँ, वही कंडीशन हुई है। इन दोनों बताना है, इन दोनों को बता दो, बस खत्म। ठीक बेसिक क्वेश्चन। हाँ तानिया बोलो। हो गया। चलो देखेंगे फर्स्ट वाले कारण पे, सीओएच ऊपर है, एचओएच सेम साइड है, मतलब सही सही से देखें, नीचे चेंज करना है सिर्फ तुम्हें। नीचे क्या करना है, एमबी को दे लेके आना है, तो सीएल इधर आएगा और एच इधर, दो इंटरचेंज हो गए कि नहीं। अब दोनों बल्कि रूप कहाँ पे हैं, ओएच और सीएल ऑपोजिट है, तो क्या होगा, थ्री ओ दोनों बल्कि। ये तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये दो चेंजेस हैं, है ना, ये दो चेंजेस हैं। अब इसमें इसमें देखो, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले फिशर में, सी एल ऊपर, सी एल के साथ एच और सी एच ओ, बैक और कॉर्नर में बी आर है, लेफ्ट पे क्या है इसमें, सी एस थ्री इस साइड आएगा। राइट में क्यों लगाया, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म। अब इसको चेंज कर लो, सी एच ओ, ये सी एल, एच एम ई, ये बी आर, ये एच, क्या आएगा। बल्कि रूप दोनों कहां पे, सेम साइड, तो क्या होगा ये, इसमें दोनों बल्कि रूप ऑपोजिट साइड थे, इसमें सेम साइड है। क्लियर है कि नहीं है, अरे थ्रू क्लियर क्लियर हो गया, नेक्स्ट वन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब है आर एंड एस, इसको डिटेल में ले रहे हैं अपना, अरे थ्रू थ्री बता दीजिए, कर ले रहे हैं, दो एग्जांपल दिए सही है, निकाल लेंगे किसी भी तरीके से। आता हूँ आर एंड एस कंफिगरेशन, जैसे बताना है, पहला क्वेश्चन तुम्हें बताना है, आईयूपीएसी ने बताना है तुम्हें
उस एल्कीन का अल्काइन का जिसमें जिसमें कैरेथल है। आईबीसी नेम स्मॉलेस्ट अल्काइन हैविंग कैरेथल। फिर दो पहले थर्मो का मतलब है निकालिए। देखो इसका एच आएगा, एक एम ई आएगा, ई टी आएगा और प्रोपाइल ग्रुप आएगा, पी आर लिखते हैं या सी थ्री आएगा। यही तो होगा स्मॉलेस्ट एल्केन। स्मॉलेस्ट एल्केन है कि नहीं है? इसका आईपीसी क्या है? थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल क्या आएगा? हेक्सेन आ रहा है कि नहीं है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एच एम ई ई टी, ये अल्काइन होगा, अल्कीन होगा। आईबीसी क्या होगा इसका? थ्री मिथाइल पेंट बनी है ना, थ्री मिथाइल पेंट बनी, क्लियर नहीं है? और अगर अल्काइन होता तो थ्री मिथाइल पेंट बना है। समझ आ गया कि नहीं है? इसका आर एंड एस बना लोगे ना, लेजेंड डैश निकाल लोगे ना सब पे, ये निकाल आना चाहिए इजी एक पार्ट। नेक्स्ट आर और एस बाकी तुमने सीख लिया इसके अंदर ना, इसमें आप करो आप पहले फॉर्मूले नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके। जैसे मैंने दिया ये CHO, CHOH होल ट्वाइस CH3। इसके बोला इसका तुमने निकालना है टोटल डी एंड एल फॉर्म्स और एनेंजियोमर्स एक, मीजो निकालना है दूसरा, स्टीरियोइसमेंस निकालना है टोटल तीसरा, चौथा निकालना है एनेंजियोमेरिक पेयर, पांचवा निकालना है डायस्टीरियोइसमेरिक पेयर। इसके अंदर निकालना है, ये डायरेक्ट बताऊंगा मैं तुम्हें क्योंकि मैंने फॉर्मूले तुम्हें पहले बता रखे हैं, दो लेक्चर जो पढ़ने को बोला था ना उसी को रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा। दूसरा निकालना है COOH CHOH होल ट्वाइस COOH, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? टार्टरिक एसिड, सही ना? इसमें निकालना है सेम चीज निकालनी है पांचों। तीसरा सेम ये पांचों चीज निकालना है।
किसी ने कर लिया? ठीक हाँ, और इन एक्शन ठीक है बात। मीजो 0 इज समवन नेचुरल पेयर डैश 0 इज अरे तेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ यार। अरे अरे वैसे कर लाता हूँ, समझ क्या आ रहा है उसमें तारा का थोड़ा सा पापा मुझे कितनी। चलो देखेंगे एक बार। पहला पहला केस, इसमें कार्य सेंटर कितने हैं? फर्स्ट केस देखो, CHO है ना, दो कार्य सेंटर है, CHO HOH HOH CH2OH है, नीचे क्या है? CH3 है, CH3 ये है। उसमें तुम्हें दिख रहा है दो कार्य सेंटर है, दो कार्य सेंटर है, 2:2 चार आएगा टोटल सी राइसमर्स, मिनी रेंज बन जाएगी इसकी OH OH ME CHO HH। ये आ गया। अब इसमें अगर मेरे को इस कार्बन में निकालना है, ओ को 1 देंगे, CHO को 2 देंगे ऊपर, 3 नीचे, कैसे जा रहे हैं हम? 1 2 कैसे जा रहे हैं? एस की तरह जा रहे हैं, आर हो जाएगा, इस पे आर है, नीचे ऐसे ही 1 देंगे ओ को 2 पर, 1 इसको 2 इसको, हम जा रहे हैं इसमें एस की तरह, तो ये आर हो जाएगा, ये है 2R 3R, तो ये क्या हो जाएगा? 2S 3S। अब इसमें थोड़ा इसको चेंज कर देंगे, CHO HOH HOH CH3 मिरर इमेज, CHO OH H H OH ME, तो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट R है, नीचे वाला मैंने चेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा? S, ये S बन जाएगा, R S, तो ये क्या हो जाएगा? SR। तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया है, ये दोनों एनिशोमेरिक पेयर है, ये दोनों एनिशोमेरिक पेयर है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इसमें। तो अगर मैंने बोला इसके अंदर एनिशोमर्स कितने हैं या DNL फॉर्म कितने हैं, तो तुम बोलोगे 4 2:2 4 डी एंड एल फॉर्म्स और एनेंशियोमर्स, डी एंड एल फॉर्म्स और एनेंशियोमर्स कितने हैं? 4। दूसरा बोला मैंने इसमें, सेकंड था मीजो, क्या मीजो इसमें होगा? कभी नहीं होता, क्यों? सिमेट्रिकल नहीं है, मीजो होने के लिए क्या चीज चाहिए थी? कम से कम दो कार्बन सेंटर और कंपाउंड होना चाहिए सिमेट्रिकल, क्यों? या तो POS हो या COS हो। तीसरा सीरो आइसोमर्स, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 4। सीरो इसमें कितना आ जाएंगे? 4। अब क्या निकालना है इसमें? एनेंशियोमेरिक पेयर्स तो दिख गया, दो हैं, जितने एनेंशियोमर्स हैं उसको आधा कर देंगे, तो 2:N-1 यानी ये 2 आ जाएंगे, आधा हो जाएगा इसका कि नहीं? और तो मैंने बना के भी दिखा दिया ऊपर, दो एनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, दो क्या हैं? एनेंशियोमेरिक पेयर्स। लास्ट क्या निकालना है? डाया सीरो इसमें पेयर्स, जैसे फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो फर्स्ट जो है थर्ड के साथ और फर्स्ट जो है फोर्थ के साथ क्या होगा? डायस्टीरोसमिक पेयर। ऐसे ही सेकंड जो है थर्ड के साथ, सेकंड जो है फोर्थ के साथ क्या होगा? डायस्टीरोसमिक पेयर, यानी कितने हो गए? 4। और अगर निकाल के मान लो अभी तो दो ही, 4 बन रहे हैं, इस केस में कभी 15 20 25 इस तरह से बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला? क्या है? 4NC2, यानी एन क्या है यहाँ पे? NC2-X, ये फॉर्मूला याद कर लो डायस्टीरोसमिक आइसोमेरिक पेयर्स के लिए। एन क्या है? नंबर ऑफ सीरो आइसोमर्स। एन क्या है? नंबर ऑफ सीरो आइसोमर्स। एन कॉम्बिनेशन 2-X, एक्स क्या है? एनेंशियोमेरिक पेयर्स। कौन से पेयर्स माइनस कर देंगे? एनेंशियोमेरिक पेयर्स।
ये आ गया 4C2 माइनस एनर्जी वाली कितना है, 2, तो 4 × 3/2 6 − 2 4 आ गया आंसर कि नहीं, समझ आएगा ना, ये डायस डायरेक्ट मिल जाएंगे। एक मैंने तुम्हें सिखा दिया, नेक्स्ट देखेंगे आगे। टार्टरिक एसिड है ना, नेक्स्ट टार्टरिक एसिड है नेक्स्ट, और उसके आगे भी सेम टार्टरिक एसिड का टाइप है, एच ओ एच एक्स्ट्रा कर दिया, उसको ट्राइग्लो निकालो जल्दी से, उसको निकालो, मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ।